नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों मिस्टर बच्चन के ट्रेलर रिव्यू में आपका स्वागत करता हूँ। मिस्टर बच्चन ये जो फिल्म है, आपको बता दूँ कि अजय देवगन सर की एक सुपरहिट फिल्म आई थी रेड 2018 में, जिसमें वो मतलब जबरदस्त एक IRS ऑफिसर के रूप में थे। अमोल पटनायक शायद उनका नाम था। तो बहुत जबरदस्त उनका एक्टिंग था और बहुत बड़ी ये फिल्म हिट हुई थी और रियल घटना पर आधारित थी। जो निर्माता थे शायद उनका नाम इंद्र सिंह था, उनके रेड मारी गई थी, काफ़ी लंबी रेड चली थी। तो उसका रीमेक यहाँ पे बनाया गया है, तेलुगु में रवि तेजा सर ने बनाया है ये, और ऑफिशियल इसकी रीमेक है रेड की। कम होता है कि हिंदी फिल्म का रीमेक बनाया जा रहा है साउथ में, पहले बनते थे बहुत, लेकिन आजकल साउथ के रीमेक ज़्यादा बनते हैं हिंदी में। लेकिन ये मौका ऐसा आया है और रवि तेजा ने इसमें मिस्टर बच्चन नाम के IRS ऑफिसर की भूमिका निभाई है। काफ़ी ज़बरदस्त मतलब उनका रोल लग रहा है और अमिताभ बच्चन सर लीजेंडरी एक्टर, उनकी एक्टिंग करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। उनकी तरह बिहेवियर, उनकी तरह से चलना फिरना बोलना बात करना डायलॉग डिलीवरी और सब कुछ अंदाज मतलब उन्हीं का लेकर के उन्होंने ये फिल्म की है और काफ़ी हद तक सफल भी रहे। काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रभावित करते हैं वो अपने एक्टिंग से, अपनी दमदार डायलॉग डिलीवरी से, और बच्चन साहब की कॉपी करते हुए काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं इसमें। कई जगह बच्चन साहब का फोटो भी आपको दीवार फिल्म के पोस्टर वगैरह वो भी नज़र आते हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त है, अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों के लिए भी एक अच्छी खबर है, उनके लिए भी एक अच्छा एक मज़ा आएगा उनको भी देखने में जब वो बच्चन साहब की तरह एक्टिंग करेंगे। और वैसे रविदेव सर को भी मास्ट महाराजा कहते हैं साउथ का, जिस प्रकार से अजय देवगन सर को यहाँ पे अपने नॉर्थ का कहते हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्ती है, कलाकार है और यहाँ पर फुल फॉर्म में है। फुल फॉर्म में मतलब कि कॉमेडी, रोमांस, एक्शन, ज़बरदस्त डायलॉग्स, इमोशन, हर तरह का यहाँ पे उनकी एक्टिंग देखने को मिलती है। और भाग्यश्री के साथ उनकी जो जोड़ी है वो भी काफ़ी जच रही है। तो कुल मिलाकर के बढ़िया कंटेंट है, विजुअल शानदार, एक्शन जबरदस्त है, डायलॉग दमदार है, BGM जबरदस्त है, म्यूजिक क्वालिटी हिट हो चुका है, गाने हिट हो चुके हैं। तो फुल एंटरटेनिंग, फुल मास एंटरटेनिंग ये ट्रेलर मुझे लगा है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा कर सकती है मुझे ऐसा लगता है। और मैं इसको डेफिनेटली 4 star out of 5 रेटिंग दूंगा, विशेषकर रवि तेजा सर की एक्टिंग के लिए। और क्या कमाल की फिल्म ये नज़र आ रही है, पूरा पैसा वसूल होने वाला है। 15 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम जी बोलना।